अलग अलग जगह से चार लोग इकट्ठे हो गए, इसको कहते हैं यूनिटी, इसको कहते हैं पैसे वाली लालच। लेकिन मुझे ना सब धुंधला धुंधला लग रहा है, कौन आया है? अरे और ये इतना क्यूट सा टेडी बेयर कौन है, मुझे छूना है? ना कर, वो चल पड़ते हैं। देखा गणेश जी, पहचान, ये औरतों का यही मसला है, आपने इतना काम किया फिर भी औरत ने नहीं पहचाना आपको, ऐसा कोई काम होता है? काम करो, डेली सोप में ना लिपस्टिक लगा के पड़ा लगा साड़ी बांध के ना बहू बन जाओ, ऐसे हिट हो जाओगे। गणेश आचार्य जी है, ये बड़े मासूम है, जिस तंग गली से जाते ना 20-25 मकान गिराते रहते हैं। ये कौन है? अरे अन्नू मलिक है। ओ निकल गई। गाने अच्छे बनाते हैं वो तो है, और गाते भी। सर मैंने भी एक दफा गाया था, मैंने अपना गाना गाया, फिर मुझे लगा मेरे कान है, मैंने छोड़ दिया गाना। सास को कहकर बहू को सुना रहे हो? फसवा दे हथौड़ी की मुंह वाली। ये तो वही है ना जिन्होंने कहा था कि सलमान तब से गरम हुआ है जब से इन्होंने गरम चाय की प्याली पिलाई है ना? सर उस केतली में से एक कप आप भी पी लेते। ये इनके बगल में जो बैठे हैं इतने मासूम से, बड़े सैड लग रहे हैं। पंकज उदास आए हैं क्या? इतने उदास क्यों लग रहे हैं? पहचानती नहीं उनको? बच्चा बच्चा जानता उनको। अच्छा? हाँ, बड़े नहीं जानते। ये सीनियर सिटीजन है ना। हाँ, इनकी इनकी टिकट सस्ती है ना ट्रेन में, वो वाले। सर ये 2-3 दफा मर भी चुकी है। मुझे इनको देख के पालक पनीर की याद आ रही है। सर इसमें जहर मिला हुआ खाना है। अरे बताओ भी कौन है, कौन है? ये राइटर हैं। क्या लिखते हैं? दीवारें। हा? क्या बकवास है। अरे यार किताबें लिखते हैं और क्या लिखेंगे? पता है इन्होंने ना एक डांस रियलिटी शो भी जज किया है। वो पूछना, क्या उन दिनों हालात ठीक नहीं थे? होता है इंसान क्राइसिस में आता तो कर लेता उल्टे सीधे काम। मैं इंजीनियरिंग कॉलेज से हूँ, हमारा कॉलेज में ये हाल था कि हमें महीनों तक लड़कियों से बात करने को नहीं मिलता था। अच्छा, अब इस शो में मुझे प्रीति जिंटा के साथ बैठने को मिला। सर उसको तो सजा हो गई ना। जाएगा कि नहीं जाएगा आदमी? इन्होंने ना वो एक दूसरी किताब भी लिखी थी, टू स्टेट्स, उसपे भी फिल्म क्या लिखा था सर? उसमें 80% तो पप्पियां थी। मतलब 150 ग्राम का मुंह लेके इतनी पप्पियां होंठ थके नहीं आपके? मतलब मुंह में कलम रख के लिखा, क्या किया आपने? लव स्टोरी थी तो उसमें पप्पियां नहीं होंगी तो क्या होगा फिर? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। वैसे एक बात बताओ कि ये तीन आदमी आए उनके साथ, ये चौथी कौन है? ये तीन आदमी के साथ एक मुफ्त। लेकिन ये औरत है कौन? अबे तूने, वो औरत लग रही तुझे? हाँ लड़की है। अब कह दिया है कवर मत करो। भाई देखो उनकी शादी नहीं हुई ना मैडम, आपकी मेरी दुआ है, शादियों में बहुत नाचू, आपकी शादी में लेकिन एक ध्यान रखना कि शादी वाले दिन पति के मुंह पे टेप लगा देना। क्यों? अरे हल्का सा घूंघट उठा के कहे कैसी हो गीता माँ। ये हो सकता है, ये हो सकता है। अच्छा अभी सुनो, मुझे ना अनु सर की शायरी सुनिए। सर आपको पता नहीं मैं आपकी शायरी की कितनी दीवानी हूँ। हेलो हेलो हेलो, सर इसकी बात को सीरियस नहीं लीजिएगा, इलाज चल रहा है। अच्छा मुझे लगता है हमने काफी कह दिया। हाँ काफी कह दिया, आप तो हाथ जोड़ लेते हैं। अगर हमसे कुछ गुस्ताखी हो गई तो वे सॉरी, हम ऐसा फिर से कभी नहीं करेंगे। हाँ। ये सब सुनने की उम्मीद मत रखिएगा। हाँ। हमारे शो से हम लोग भागते हैं। हाँ। गणेश जी आप पकड़ सकते तो आपकी हुई। जितना बोलना था बोल लिया सर, बोल लिया। और कुछ बैंड बजानी है? नहीं नहीं सर। देखिए मैं श्रुति को बोलता हूँ, आपको मेरी शायरी सुनने का बहुत शौक है ना, अभी आपने बोला ना सुनाएंगे ना सर। तो बताता हूँ श्रुति, अगर तू इतनी प्यारी नहीं होती ब्यूटी, तेरी बैंड बजा देता श्रुति। और ये जो भाई साहब हैं शकील, इनके बारे में इतना कहना चाहिए, बोलते जा रहे थे मार रहे थे कील, नाम रखा है शकील, तुम्हारी बैंड बजाने के लिए लाना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट का वकील। बुलाना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट का वकील, समझा जलील। वैसे अनुजी हम क्या बोलें, ये बहुत अच्छी बात है, ये शो बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि नॉर्मली टीवी पे सिर्फ खूबसूरत लोगों को मौका मिलता है, पर इस शो की वजह से
फिर भी हम फंसते हैं। अनु जी, जो मैं वेल्डिंग के लिए बोल रहा था ना, वेल्डिंग करनी है, वो इसी आदमी की करनी थी। और अच्छी तरह करेंगे और दोनों मिलकर करेंगे। नहीं सर, वो तो मासूम आदमी है, पता है जहाँ बैठता हूँ वहाँ टॉयलेट कर देता है आदमी। एक दफा एक पुलिस वाले ने उसको पकड़ा, कह रहा थाने चलो, कह रहा सबूत तो उठा लो। और इनका पता है क्या प्रॉब्लम है, मैं तो फिर भी टॉयलेट का, आप करते क्यों नहीं सर? इसको मेरे करने की फिक्र नहीं, इसको उस 5 रुपए की फिक्र है जो बाहर खड़ा होकर लेना होता है। क्या बात है, चलिए जोरदार तालियां शकील और श्रुति के लिए। और एक बार वेलकम बैक सुपर हिट हुई है, उसके लिए भी जोरदार तालियां अनु जी। लेकिन नहीं 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 नहीं, तालियों से काम नहीं चलेगा। आग लगानी पड़ेगी, आग लगानी पड़ेगी, आग लगाना पड़ेगा। पिक्चर में तो आग लगा दिया, पे अनु जी को ही डांस करना पड़ेगा। सर आपका स्टेप कमाल लगा, जो गाड़ी को धक्का देने वाला था। इससे पहले हम आगे बढ़े, चेतन सर से पूछूंगी, सर इस डांस पे क्या कमेंट्स करेंगे आप? अनु जी मूड में आ गए हैं। जाग गया हूं। अनु जी आपके अंदर का कुछ जाग गया है। अंदर का कुछ 10 में से 10 अगर मैं शो में जज होता बस, तो बस क्या बात है, चापलूसी इनसे सीखे। तो अनु जी आप तो फाइनल हो गए, क्या बात है। तो चलिए अनु जी पहले नंबर पे आएंगे झलक में, पक्का देखना बाहर, मैं बता रहा हूं, मैं बोल रहा हूं। अब आ रहे यहाँ पर एक भाई, अरे भाई बहन वाला नहीं, अरे भाई वो वाला, उसको अपनी बहन के लिए दूल्हा चाहिए, लेकिन दूल्हा भी चाहिए सेलिब्रिटी। तो अब देखते हैं कि उनको सेलिब्रिटी दूल्हा मिलता है कि नहीं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मुबीन और तिलका, सॉरी अनीता का। हेलो हाय नमस्कार का टाइम नहीं अपने पास। क्या है कि आज अपने बहन की शादी होने वाली है, उसके लिए ना अपन सेलिब्रिटी लोग को बुक करने को आयला है, लेकिन सेलिब्रिटी है किधर? अरे गीता माँ, वही ना, आपका बहुत बड़ा फैन है, ऐसा आपको किसी ने बोला है? क्या बात है, मास्टर जी भी आए। वैसे मास्टर जी आए बॉलीवुड में बहुत नाम कमाए ले, जब ये पैदा हुए ना तो डॉक्टर हंसा था और अस्पताल 2 माला धंसा था। दे ये मेरी बहन भी किधर रह गई, मेरे को ना फंसवा के छोड़ेगी, अकेला छोड़ के, ए फंबलिया, वो फंबल मार के ले फंबलिया। भूल जाता है तब? अरे लड़की सीख रही है। अच्छा अब ये बता कि सेलिब्रिटी कहाँ है? अरे वो देखना सामने बैठे अननोन मलिक। अननोन नहीं, ये तो अनु मलिक है। हाँ हाँ अनु मलिक है, लेकिन क्या है ये मेरे को जानते नहीं ना, तो फिर मेरे लिए अननोन मलिक हुए ना। लेकिन क्या है सर, मैंने आपका जलवा देखा, वट देखा मैंने बाहर, जैसे पता चला ना आप आ रहे ले, दरवाजे पे धक्का मुक्की खींचम तानी से भीड़ भाड़। अच्छा? हाँ, सब बोल रहे थे मेरे को घर जाने का है, मेरे को नहीं बैठने का है, मेरे को घर जाने का है। अरे साथ में तो देख के कौन बैठे, चेतन भगत। अरे चेतन भगत कौन है? अभी एक रियलिटी शो आया था ना, वो जज किया था इन्होंने। अरे बराबर बराबर। हाँ। सर मैंने वो शो देखा आपका, ये ना कंटेस्टेंट जो डांसर थे ना, उनकी 2 गलतियां निकालते थे, फिर जो डांसर थे ना इनके जजमेंट की 20 गलतियां निकालते थे। वैसे चेतन जी मैंने सुना है कि आपको कभी कोई क्रेडिट नहीं देता। अरे ऐसा नहीं है, ये ले लेते हैं। हाँ कहीं भी कुछ भी लिखा रहता है ना नीचे अपना नाम लिख देते हैं। और वो दीवार पे लिखा था यार सुसु करना मना है, नीचे जाके लिख दे रिटर्न बाय चेतन भगत। ये मेरे को भाव था किसी एक्टर की कॉपी करने की कोशिश कर रहा है, बड़ी देर से कोशिश कर रहा हूं, कौन सा एक्टर है? मुझे ये बताओ मेरे संगीत के लिए कौन से बड़े सिंगर को ले रहे हैं हम? अरे पागल है क्या ये, बेटे ना अनु मलिक साहब, ये देंगे अरिजीत का नंबर। अरे नहीं मतलब कि ये क्या बहुत बिजी रहते हैं ना, कभी इधर काम मांगने जाते हैं, कभी उधर काम मांगने जाते हैं। अरे मतलब मेरे लिए काम मांगने जाते हैं, मैं फ्री बैठा हूँ, इनके पास बहुत काम है। ओबेन, काम मांगना कोई गुनाह नहीं है, काम मांगो तो काम मिलेगा, इज्जत की रोटी खाते हैं, पेट का सवाल है, समझा? चमड़े की झोपड़िया में आग लगी भैया, बरखाना बुझाए बुझाए रुपया। वाह!
और सुन, भूख लगे तो चांद भी एक रोटी नजर आता है, भूख लगे तो चांद भी एक रोटी नजर आता है। अरे आगे है जमाना, फिर भी भूख पीछे पीछे, सारी दुनिया की बातें दो रोटियों के नीचे। क्या बात है, ये तो शुरुआत है, ये तो शुरुआत है, आगे के देख। अरे बहुत कुछ सोचा है मैंने, तेरी शादी में एकदम राप चंडू शो करेंगे अपन, अन्नू जी की शेरो शायरी का प्रोग्राम। हाँ, एंट्री फ्री रखेंगे फिर भी लाखों कमाएंगे अपन। फ्री एंट्री रखेंगे तो पैसे कैसे कमाएंगे? अरे क्या है, फ्री बोलेंगे ना पूरी पब्लिक घटघटा के आ जाएगी, जैसी पब्लिक अंदर आएगी ना गेट बंद करेंगे, और अन्नू जी जैसी शायरी सुनाना चालू करेंगे अपन बोलेंगे बाहर जाने का 1000 रुपया। अभी मुझे लगता है फोन करने का वक्त आ गया है। हाँ तो करेंगे ना, डरते थोड़ी है, फोन करेंगे अपन, सिक्योरिटी मंगवाएंगे। हेलो सेक्सी सलमान, झगड़ा ऋतिक। अरे सुनना, सिक्योरिटी मंगता, अरे अपने को नहीं रे, आज अपने पास बंदूक है, एक टपना खत्म हो गया, आज अपन टपोरी बनेला, डरता नहीं है। अरे टपोरी भी तो अपन आपके वजह से बनेला है, हाँ, क्योंकि राइटर को कोई पूछता नहीं, सिंगर के कोई गाने सुनता नहीं, और डांसर को कोई देखता नहीं। अरे मेरे को लगता है सिक्योरिटी की जरूरत अपने को ही पढ़ने वाली है, बाबा निकल लो। अरे ये देखिए, मुबीन जैसे आदमी होते 15 दिन शैम्पू नहीं करते, फिर इसी बालों से ना बियर कोल्ड ड्रिंक खोल रहे होते हैं। अभी कैसे शैम्पू करेंगे, सारा तो आप पी जाती है ना। अरे वाह बहुत है, देखा वॉचमैन के मुंह में जवान आ गई, जोरदार तालियां। मैं अनीता को यही कहना चाहूंगी, चलना बैठ जाके उधर।